तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन है एस सी वर्मा का, इसको हम लोग उठाते हैं। कहता है, अज्यूम द अर्थ गोज अराउंड द सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। ऐसा मान लेना है आपको, सर्कुलर ऑर्बिट है, तो विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही है लगभग लगभग। कहता है, एवरेज वेलोसिटी आवर फ्रॉम 1 जून 1990, ठीक है ना, 1 जून। बहुत सारे बच्चों का तो जन्म भी ना हुआ होगा, तो 1 जून 1990 एंड 30 जून 1990 के बीच हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है। देखो नहीं, एवरेज वेलोसिटी जीरो है, तो क्या ये बात सही है? इसको हम चेक करेंगे बच्चों। तो चलो इसको चेक करने का हम एक सर्कल बना ही लेते हैं यहाँ पे। तो ये एक सर्कल है, और इस सर्कल में अगर तुम देखोगे एवरेज वेलोसिटी, मान लो कभी अर्थ यहाँ पर है, तो ये जो टाइम है वो 1 जून 1990 है, ठीक है ना। तो 30 जो जून हो चुका होगा, 30 जून 1990 में, तो सर अर्थ जो है वो आधा चक्कर पूरा कर चुकी होगी सन की। ये सन है, तो सन का आधा चक्कर लगा चुकी हो, मतलब ए पॉइंट से वो फाइनली बी पॉइंट्स पर है, ठीक है ना। जब 365 दिन में पूरा चक्कर लग जाता है, तो ये लगभग 6 6 मंथ हो गया। तो 6 मंथ में तो भाई हाफ सर्कल पूरा हो ही गया होगा। तो क्या एवरेज वेलोसिटी जीरो है? तो एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखते हैं भाई? तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है, वो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या डिस्प्लेसमेंट जब पार्टिकल ए से और बी पे है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 2R हो जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 2R हो जाएगा, ठीक है ना, वट एवर आर जो भी रेडियस है। और टाइम 365 दिन का आधा लग चुका होगा, इसका आधा दिन लग चुका होगा, तो इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है। एवरेज एक्सलेशन ड्यूरिंग द एवर पीरियड इज 60। एवरेज एक्सलेशन, अब एवरेज एक्सलेशन कैसे निकालते हैं? तो एवरेज एक्सलेशन सेकेंड ऑप्शन अगर चेक करोगे, तो एवरेज एक्सलेशन निकालने के तरीका है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टी। तो चेंज इन वेलोसिटी देखो, जब पार्टिकल यहाँ पर था, तो उसकी जब अर्थ यहाँ पर थी, तो उसकी स्पीड कितनी थी बोलो? 30 किलोमीटर पर आवर इधर थी। जब यहाँ बी पे आया, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 30 किलोमीटर पर आवर इधर है बच्चों। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे, तो ये चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा भी अगर निकालोगे यहाँ पे, तो डेल्टा भी 30 माइनस 30 और -30, ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा, ये 60 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो ये आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे 365 डेज का आधा से इतने से पूरा टाइम यूनिट कैलकुलेट कर लेना। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो 60 किलोमीटर पर आवर आता ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। ये कैलकुलेट कर लेना तो इतना बनता ही नहीं है, ठीक है, मैं कैलकुलेट कर लिया हूँ। एवरेज स्पीड फ्रॉम द फर्स्ट, इस टाइम में क्या एवरेज स्पीड जीरो होगा? थर्ड ऑप्शन चेक करो, सी ऑप्शन चेक करो। एवरेज स्पीड, स्पीड स्पीड एवरेज एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस, ठीक ना, टोटल डिस्टेंस अपन टाइम। तो अगर ए से बी तक स्पीड निकालोगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2πr का आधा। भाई ये पार्टिकल ए से बी पे गया, डिस्टेंस ये आर को जाएगा, सेमी सर्कल का ये वाला लेंथ हो जाएगा, ठीक है ना, दिस लेंथ विल बिकेम द डिस्टेंस, 2πr का आधा, और ये 365 डेज का हाफ, ठीक है। तो जब ये पूरा कैलकुलेशन करोगे यूनिट सही से रख के, तो तुम देखोगे कि ए भी जीरो नहीं आ रहा, तो ये भी गलत है। तो ऑब्वियसली फोर्थ को तो सही होना ही पड़ेगा। द इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन ऑफ अर्थ टुआर्ड द सन। देखो ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन की अगर बात करोगे, तो इंस्टेंटेनियस जो एक्सलेशन होता है, ये अगर स्पीड कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो टेंजेंशियल एक्सलेशन तो जीरो आ जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है इधर। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन, ये जो सन है, ठीक है ना, इस सन के अराउंड ही होगी, और वो सेंट्रिपिटल हर पॉइंट पे, देख रहे हो, यहाँ पर सेंट्रिपिटल एक्सलेशन इधर आएगा, और यहाँ है ये, तो सेंट्रिपिटल एक्सलेशन इधर आएगा, तो यहाँ है तो इधर आएगा, तो हर पॉइंट पे सेंटर की तरफ है, मतलब डी ऑप्शन अपना करेक्ट बन जाता है इसमें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।